press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए सोलो वर्सेस सोलो गेमप्ले में। आज हम जाएंगे रोजोक और तबाही मचा के रख दें। यहाँ पर कम से कम तीन बंदे तो थे, क्योंकि मेरे को तीन बंदों के फुटप्रिंट्स आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर पिस्टल ही मिल रही थी, इसलिए पहले मैं वेस्ट हेलमेट और गन ले ढूंढ रहा था, उसके बाद चलेंगे फाइट लेने। बिना गन वेस्ट के फाइट लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ होती है पबजी मोबाइल में, इसलिए पहले अच्छी गन वगैरह ढूँढो। यहाँ पर उस बंदे के पास गन नहीं थी, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे उस पर रश कर दिया। मेरे पास पिस्टल थी, ये भी काफ़ी अच्छी पिस्टल है। यहाँ पर मेरे को फुटस्टेप आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा उस पर क्यों ना नेड कर देता हूँ, वो अगर शायद वो किल हो जाए, लेकिन बीच में एक छटका टॉप आ गया, जिसकी वजह से मैं जल्दी से नेड नहीं कर पाया। उसने मेरे शूट किया और मेरे को वेट करना पड़ा। यहाँ पर उसको पता था कि मेरी हेल्थ कम, इसलिए उसने सीधा ही रेस्ट कर दिया मुझे, लेकिन मैंने भी उसे छोड़ दिए दो, फिर बैग जाके फिर से उसको रेस्ट किया। यहाँ पर मैं डर गया था क्योंकि उसने वापस बैग रेस्ट किया था मुझ पर, इसलिए थोड़ा घबरा गया था। यहाँ पर हील करके आगे और फाइट लेंगे। अब पहले हील कर लेता हूँ मैं यहाँ से। यहाँ पर मैंने हील किया ही था कि मेरे फिर से फुट स्टेप आने लगे, इसलिए इस बार मैंने सोच लिया पहले नेड घूमूंगा फिर बाकी कुछ। अभी मेरे को गन नहीं मिली और यहाँ चेक कर, इसलिए मैं रस नहीं कर रहा, अगर मैं रस करूँगा तो मर जाऊँगा। मैं यहाँ पर लूट करने जा रहा तभी मेरे को एक बंदा दिखा जिसके पास गन नहीं थी, इसलिए मैंने सीधा उसको रस कर दिया। यहाँ पर बंदा बिल्कुल ऐसा बता जो लंगर मिलने वाला है। कुछ भी नहीं है, पता नहीं बंदा पीछे कैसे आ गया, लेकिन फिर भी हमने संभाल लिया। हम थोड़ा नहीं है लेकिन डिसेंट। यहाँ पर मेरे पास हेल्थ नहीं, मैं इसे लूटने गया कि तभी मेरे पे यहाँ से साइड से शॉट पड़ने लगे। यहाँ पर मैं ऊपर आके हील करने लगा क्योंकि नीचे थोड़ा खुला एरिया था और खिड़कियाँ बहुत थी, ऊपर कम खिड़कियाँ, इसलिए मैं ऊपर आ गया। यहाँ पर मैं उस बंदे को मार दिया जिसने मुझे शॉट दिए थे, वो वाले शॉट नहीं, गोली वाले शॉट। फिर सोचा इसको लूटने जाऊँ, लेकिन वो ले एरिया पूरा खुला था, इसलिए पहले कवर में मैं जाके चेक कर रहा था कोई बंदा नहीं है आसपास। यहाँ पर मैं चेक कर रहा था रोजक में कोई और तो नहीं बचा, तभी मेरे को राइट से पुष्टि पाने लगे।
मैं फिर से वहीं पर आया उसी जगह पर, लेकिन मुझे फिर से उसी तरफ से साउंड आने लगा, इसलिए मैंने फिर चेक किया। यहाँ पर मेरी एकेम सिंगल भी हो रखी थी, मेरे को बड़ा धोखा हुआ। मैं चेक कर रहा था तभी मेरे को उस तरफ से गन साउंड आया, तो फिर क्या चलेंगे किल लेंगे। यहाँ पर मैं उस तरफ जा रहा तभी पीछे से फायर किसी ने किया मुझे और मेरे को लगा नहीं गया। यहाँ पर मैंने पहले हील करके फिर उसकी तरफ जाएंगे फिर वाइट लेंगे। मुझे उसकी आगे की आगे से गन दिख रही थी इसलिए मैंने पहले उस पर नेड किया, लेकिन वो कवर में चला गया पहले ही। मेरे को लगा कि वो टीपी पे ले रहा है इसलिए पहले मैंने स्मोक किया, बाहर से किया क्योंकि अंदर से लेता तो शायद वो कुछ डैमेज दे देता हमें। अब मैं अंदर गया तो कहीं नहीं दिखा, मैं समझ गया उस रूम के अंदर सुबह, इसलिए मैंने सोचा पहले स्मोक कम हो जाए फिर उस पर अटैक करेंगे। वहाँ पर जोन आ गया था इसलिए मैं बग्गी लेके निकल गया, फिर आगे जाके देखते हैं क्वाइट लेके। मैं यहाँ से जा ही रहा था तभी मेरे को गन शॉट्स आए, मैंने सोचा खुद खिला रहे हैं। मैं वहाँ पहुँचा ही था कि इसने इस बार छुपे हुए सांप ने मेरे को मार दिया। आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो मत करना। मेरी क्वालिटी थोड़ी कम है क्योंकि मैं धीरे धीरे अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।